नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं गांव के किसानों की और साथ ही ऐसी जानकारियां हम लेकर आते हैं ताकि हमारे किसानों के आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान तारामीरा की खेती कर सकते हैं और ले सकते हैं अधिक लाभ। इसके बाद आपको जानकारी देंगे कि आज के समय में कैसे वो किसान जिनके पास सिंचाई की समस्या है, भूमि कम है, वो रेशम कीट पालन से लाभ ले सकते हैं। अंत में मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान देवेंद्र सिंह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। गांव किसान में सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। आज के आधुनिक युग में हर क्षेत्र में हम बदलाव देख रहे हैं और ऐसे में हमारा खान पान भी इससे प्रभावित हो रहा है। आज के समय में लोग नई नई चीज़ों को अपने आहार में शामिल करना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है तारामीरा, जिसे सलाद के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है। कैसे हमारे किसान तारामीरा की खेती कर सकते हैं और इसके कौन कौन से लाभ हैं, इससे जुड़ी कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। बदलते परिवेश के साथ साथ हमारे खाने पीने की आदतों में काफी बदलाव आया है। अब हम परंपरा से जुड़कर लेकिन कुछ हटकर खाना पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे आहार में सलाद का खास स्थान होता जा रहा है। इस बदलती शैली ने किसानों के सामने नई नई फसलों की खेती और मुनाफे के द्वार खोल दिए हैं। इसी कड़ी में एक है तारामीरा की खेती। तारामीरा सरसों व राई कुल की एक तिलहनी फसल है, जिसके बीजों में करीब 35% तक तेल पाया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से राजस्थान में नागौर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर में की जाती है। इस फसल की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे कम पानी व कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। किसान इसकी खेती कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार सबसे अच्छी होती है। खेत तैयार करने के लिए अच्छे से जुताई करने के बाद पाटा लगा लेना चाहिए। इसके बीज आकार में काफी छोटे होते हैं, इसीलिए एक हेक्टेयर के खेत के लिए करीब 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होंगे। बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करना चाहिए। बीजों की पैदावार लेने के लिए इसकी बुआई अक्टूबर माह के पहले सप्ताह से नवम्बर माह तक कर सकते हैं, लेकिन सलाद के पत्तों के लिए बुआई कर रहे हैं तो समय सीमा का कोई बंधन नहीं है। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। T27, ITSA, करनत तारा, नरेंद्र तारा, ज्वाला तारा, जोबनेर तारा। बेहतर पैदावार लेने के लिए खाद का इस प्रकार इस्तेमाल करें। 30 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। वही सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई 40 से 50 दिन में फूल आने से पहले करनी चाहिए, वही दूसरी दाना बनते समय। इस फसल को कीट व रोगों से बचाने के लिए समय समय पर फसल की निगरानी करते रहना चाहिए और लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करना चाहिए। ऐसे खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड वर्मी कम्पोस्ट, एडेप्टोवेक्टर से संवाहित गोबर की सरी खाद। इस तरह से इनको कभी भी मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई कर देने से लगातार जैविक खाद के माध्यम से मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता और मिट्टी की जो संरचना है वो अच्छी बनी रहती है, जिससे कि मिट्टी में जल का और वायु का निकास उचित जड़ों के बनने के लिए और पौधों के बढ़वार के लिए बना रहता है, जिससे अधिक से अधिक उपज और आय की प्राप्ति किसानों को हो सकती है। बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती पॉली हाउस, ग्रीन हाउस अथवा संरक्षित संरचनाओं में की जा रही है और जिससे कि ऑफ सीजन यानी कि बेमौसमी सब्जी और फलों का उत्पादन करके देश के अलग अलग स्थानों में भेजा जा सकता है। तो इस तरह की एग्जॉटिक सब्जियों से हमारे देश में एक तरह से सब्जियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी आवक भी बढ़ी है और आवक के साथ साथ जो है लोगों को इसकी उपलब्धता भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। किसान अगर इसकी खेती पत्तों के लिए कर रहे हैं तो बुआई के 45 दिन बाद ही फसल मिलने लगती है और इस तरह से एक बार बुआई से 8 से 10 बार तक फसल ली जा सकती है।
लेकिन अगर फसल बीजों के लिए लगाई गई है तो जब पत्ते झड़ जाए और फलियां पीली पड़ने लगे तब फसल काट लेनी चाहिए। देर से कटाई करने पर ज्यादातर बीज खेत में ही झड़ जाते हैं और किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी आपने जाना तारामीरा की खेती के बारे में। मुख्य रूप से राजस्थान में बड़े पैमाने पर हमारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे गाँव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। हमारा पशुधन में आज हम आपको जानकारी देंगे रेशम कीट पालन के बारे में। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है और उनके पास भूमि भी उपजाऊ नहीं है। ऐसे में खेती किसानी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि हमारे ये किसान किस तरीके से रेशम कीट पालन कर लाभ ले सकते हैं। खास तौर पर युवा किसान इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर कई तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। हमारे देश में रेशम की साड़ियों का विशेष स्थान है। पुराने समय से ये भारतीय नारी का परंपरागत पहनावा है। हमारे देश में रेशम उत्पादन का मिश्रित व समृद्ध इतिहास रहा है। भारत में 15वीं शताब्दी से ही रेशम का व्यापार किया जाने लगा था। वर्तमान में करीब 9 करोड़ 18 लाख लोगों को रोजगार देने में रेशम अपनी भूमिका अदा कर रहा है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रेशम का ये कीट महिलाओं को सरलता से आत्मनिर्भर होने में सहायता कर रहा है। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग भी दिया जा रहा है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में इस उद्योग में शीघ्र उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्यों के साथ भी इस उद्योग को आसानी से किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम दो प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। आज ये व्यवसाय अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। लोगों में बढ़ती जागरूकता और सरकारी योजनाओं का साथ पाकर वो किसान भी इन्हें आसानी से कर पा रहे हैं, जो परंपरागत खेती में सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे थे। परभणी, महाराष्ट्र के किसान का भी कुछ यही कहना है। रेशम कीट, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोरी है, इसे पालने के लिए सबसे जरूरी है शहतूत का पौधा। शहतूत एक बहुवर्षीय पेड़ होता है और इस पौधे को एक बार लगाने पर यह अगले 15 सालों तक पत्तियां देता रहता है, जो इस कीट का मुख्य भोजन है। इसीलिए अगर किसान शहतूत के बाग लगा रहे हैं तो उन्हें सही मापदंड का ध्यान रखना चाहिए। बाग तैयार हो जाने पर इन कीटों का पालन शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। हालांकि इस कीट का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, ये केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ही मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से लेकर 400 तक अंडे दे देती है। फिर हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। फिर ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का घोल बन जाता है, जिसे हम कोया या फिर कोकुन भी कहते हैं। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो वे सूख कर धागे का रूप ले लेता है, जो कि करीब 1000 मीटर लंबाई का होता है, और इसी धागे से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। कोकुन से धागा निकालना भी अपने आप में एक कला है, जिसमें 3 चरणों को पूरा करना होता है। पहला,
कोकून का सूखना। बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम के लिए कोकून को गर्म हवा में सुखाया जाना चाहिए। इससे प्यूपा मर जाता है, साथ ही कोकून शेल की परतें आसानी से अलग की जा सकती है। दूसरा, कोकून का भंडारण। कोकून को लंबी अवधि के भंडारण के लिए एक उपयुक्त भंडारण कक्ष में रखा जाता है। कोकून भंडारण में कमरे के केंद्र में 20 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान होना चाहिए और कमरे के अंदर की हवा में करीब 55% आर्द्रता होनी चाहिए ताकि कवक कोकून पर हमला ना कर सके। तीसरा, कोकून की छटाई। इस दौरान कोकून की छटाई की जाती है। इस दौरान खराब या डबल कोकून, मटमैला कोकून, पिघला, संक्रमित या फिर विकृत कोकून को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद रेशम के रेशे निकाले जाते हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने में किया जाता है। ये था हमारा आज का पशुधन, जिसमें हमने जानकारी दी आपको रेशम कीट पालन के बारे में, साथ ही ये भी बताया कि कैसे हमारे किसान इसकी ट्रेनिंग लेकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, आइए नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुकुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें, उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें, साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या पेड़ बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनेला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में PPR का टीकाकरण करवाएं। ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। मिलेगी अच्छी पैदावार जब रखेंगे फसल का ध्यान। सोना बन उपजेगा गेहूं, कर देगा आपको माला माल। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, गेहूं की देखभाल करेगी माला माल। 4 फरवरी शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं कामयाब किसान पर। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पंजाब के लुधियाना के देवेंद्र सिंह से, जिन्होंने आज के समय में परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नया अपनाने की सोची और उन्होंने खेती में किस तरीके से नई तकनीक को अपनाया और कामयाबी हासिल की। अपने पिता के साथ लगातार वो खेतों में मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत की वजह से अपने इलाके में छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं। तो देखते हैं देवेंद्र सिंह की कामयाबी की कहानी। कुछ किसान समय से इस बात को मान लेते हैं कि आधुनिकता का दामन थामने से ही सफलता मिलना लाजमी है। इसी बात को समय रहते समझा लुधियाना पंजाब के किसान देवेंद्र सिंह ने। गांव से स्कूली शिक्षा लेने के दौरान ही कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा उनके अंदर था। वो अपनी प्रयोगधर्मी सोच से कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सबसे अलग हो, जिससे आय में इजाफा हो सके। लेकिन शुरुआती दौर में परंपरागत खेती से आर्थिक कुछ ठीक नहीं थे। क्रॉप गेहूं की होती थी और जो दूसरी क्रॉप थी उस टाइम में नहीं होती थी, उसमें उतना मुनाफा नहीं होता था। उसके उपरांत जब हमने देखा भी ये काम के लिए जो हमको जितना फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए
वो पूरा नहीं होता, तो उसको पूरा करने के लिए हमने सोचा भी क्यों ना इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए। देवेंद्र जी बताते हैं कि जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे उस समय युवाओं में विदेश जाने और वहाँ नौकरी करने का सपना सामूहिक तौर पर पनप रहा था, लेकिन यति ने उनके लिए इसी धरा में रहकर कुछ खास करने का लक्ष्य बना रखा था और हुआ भी यही, उनका विदेश जाना संभव ना हो सका। वो भी मेरे को कुछ सिखा कर गया, मैंने भी आम जो पंजाब के लोग हैं वैसे ही फॉरेन जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैंने 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ। अब देवेंद्र जी के पास कृषि ही आखिरी विकल्प बचा था, लेकिन उस समय में किसानों की हालत और कृषि से होने वाली आय ने 12 उन्हें भयभीत करना चाहा, लेकिन देवेंद्र ने भी जल्द इसे अंतिम विकल्प मानकर स्वीकार कर लिया और अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। हालांकि मेहनत ज्यादा करने के बाद भी उन्हें पर्याप्त आय नहीं हो पाती थी, सुधार की इच्छा के लिए वो विशेषज्ञों से मिलने लगे, साथ ही किसान मेलों में शिरकत करना शुरू कर दिया कि कहीं से तो उम्मीद की किरण नजर आए। जॉब बहुत कम है, सभी जगह कम है पंजाब में, कि इवन सारी स्टेट में इतनी जॉब नहीं मिलती जितने लोग स्टडी कर जाते हैं। उसके बाद में आपने ही खेत में कुछ ना कुछ नया करने का सोचा, पहले ब्याज से पैसा पकड़ते थे आरतीय से, उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी बड़ा होता था, पहले उसको उसका इंटरेस्ट देना, बाद में जो बच गया उससे अपनी आजीविका चलानी, लेकिन उस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे भी इससे कैसे चलेगा, हम तो इन लोगों के लिए ही काम करते हैं, हमारे परिवार के लिए तो काम करते नहीं है। नई जानकारियों और पिता से समस्याओं पर विचार करने के बाद देवेंद्र ने अपने खेत में मिर्च की संकर किस्म की खेती की, इसमें उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने खेत में परंपरागत खेती के स्थान पर मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, लौकी और आलू की खेती की, जिसमें उन्हें सफलता मिलती गई। देवेंद्र ने अपने खेत में एक और अच्छी पहल की और वो थी ड्रिप सिंचाई, इससे पानी की बचत भी हो सकी और पैदावार में भी इजाफा मिला। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इसे खेत से आरंभ किया, लेकिन अच्छे परिणामों ने ड्रिप सिंचाई का दायरा भी बढ़ा दिया। देवेंद्र अभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, वो जहां जाना चाहते थे वो राह अब भी सूनी पड़ी थी। तभी दिल्ली से इनका स्पेन का मित्र मिलने आया और मुलाकात उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मित्र की सलाह पर वो स्पेन और इटली गए, जहां उन्होंने पॉली हाउस में खेती के लाभ देखे और काफी प्रभावित हुए, और वहां से भारत लौटकर उन्होंने 5 एकड़ में 5 पॉली हाउस बनाए, जिनसे उन्हें कृषि में कई गुना लाभ हुआ। स्पेन जब पहुंचे अल्मीरिया में, तो जब जहाज लैंड हो रहा था तो नीचे में बिल्कुल पानी जैसा सफेद सफेद दिखाई दे रहा था, जो कि वहाँ का पॉली हाउस की खेती इतने बड़े पैमाने पे है कि वो दिख रही थी। हम उसको देखकर इतना ज़्यादा हैरानी में थे भी ये काम हम कब शुरू कर लें इंडिया में। हमको उस दिन से ही वहाँ से ही चीटक लग चुकी थी कि ये हमने ये काम करना है। हमने सोच विचार करने के बाद में बैम्बू स्ट्रक्चर का मन बना लिया। अपने गांव में पॉली हाउस बनाने वाले वो पहले किसान बने, अब वो नर्सरी भी खुद ही तैयार करने लगे। इसके लिए उन्होंने सरकारी योजनाओं का सहारा भी लिया। पॉली हाउस के अलावा ऊंचाई वाली सुरंग, बांस ढांचे के सहारे पौधे सही बढ़वार देने लगे। अब उनके खेतों में रंगीन शिमला मिर्च, टमाटर जैसी फसलें लहलहाने लगी। इसके बाद उन्होंने बाजार व्यवस्था को भी समझा। वो बताते हैं आज भी इस क्षेत्र में अपडेट रहने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि विदेशों में भी जाया करते हैं, ताकि कृषि के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम किए जा सके और अपने आसपास के किसानों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जब हमको स्टेट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, तो यहाँ लेबर करने के लिए आना चाहता था। आज मैं घूमने के लिए भी एक गवर्नमेंट के टूर के ऊपर आया हूँ। मैं सोचा भी जो भगवान करता है आपको अच्छा बनाने के लिए करता है, जो मुश्किलें भी आती है ना उसमें एक कामयाबी का रास्ता आता है, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और अपने आप को सख्त बनाने की जरूरत होती है। देवेंद्र जी के कृषि के क्षेत्र में ये प्रयास बताते हैं कि किसान को तकनीकी से तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है, इससे नए सुधार और नई राहें मिलना लाजमी है। ये थे
देवेंद्र सिंह की कामयाबी की कहानी, उनकी कृषि को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। आशा करते हैं कि उनकी कामयाबी की कहानी से आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जुड़ जाए हमारे यूट्यूब चैनल से। गांव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।